नमस्कार, फूड फॉर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज अरवी की सब्जी बनाएंगे। अरवी की सब्जी सुनते ही लगता है अरे अरवी की सब्जी, लेकिन नहीं, ये अरवी की सब्जी की रेसिपी इतनी टेस्टी है कि अगर आपने एक बार खा लिया ना तो दोबारा बिना खाए रह नहीं सकते हैं। अरवी की ये जो हमने डिश बनाई है बहुत ही स्पेशल है। अरवी की सब्जी बनाने के लिए हमने ये 500 ग्राम अरवी ली है। इसको हमने एक सीटी दे करके कुकर में बॉईल कर लिया है, उबाल लिया है। अब इसकी स्किन को हम निकाल देंगे, अरवी का सारा छिलका ऊपर से साफ़ करके फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसकी रेसिपी हमने, इसकी सब्जी हमने कैसी बनाई है। बिल्कुल नए स्टाइल से बनाई है। ये देखिए, सारी अरवी हमने जो है साफ़ करके ले लिया है। अब एक 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 अरवी के हम जो है दो भाग करेंगे, इस तरह से दो भाग करके, और हथेलियों की हेल्प से हम इसको थोड़ा थोड़ा जो है प्रेस करेंगे, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से। बहुत ज़्यादा हमें प्रेस नहीं करना, हल्का हल्का सा प्रेस करना है, और बहुत ज़्यादा हमें इसको बॉयल भी नहीं करना है, बस इतना बॉयल करना है कि अच्छे से ये जो है प्रेस हो जाए। जो बड़ी अरवियाँ हैं उसके हम तीन भाग कर लेते हैं, जो छोटी हैं उसके हम दो भाग कर लेंगे। ये इस तरह से हम जो है सारी अरवियों को जो है प्रेस करके रख लेते हैं। ये देखिए, सारी हमारी अरवियाँ जो है इस तरह से हमने प्रेस करके रख ली हैं। अब इसको हमें जो है फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए पैन में हमने तेल डाल दिया है, अच्छे से गर्म हो गया है। अब एक एक अरवी को उठाते जाएंगे हम, इसमें जो है पैन में रख करके इसको जो है फ्राई कर लेंगे। और फ्राई हमें दोनों तरफ से बहुत अच्छे से करना है, अच्छे से जो है क्रंची हो जाए उस स्टेज तक हमें इसको जो फ्राई करना है। ये देखिए, एक साइड से थोड़े हल्के से फ्राई हो गए। इनको हम जो है फिर से जो है पलट देते हैं, पलट पलट के एक दो बार अच्छे से हम इसको जो फ्राई करेंगे। सच मानिए, ये अरवी की सब्जी जो है अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनती है। इस तरह से हमने जो है सारी अरवी को फ्राई करके के जो है निकाल लेना है प्लेट में। अब ये सारी अरवी हमारी जो फ्राई हो गई है, अब इनको हम जो है एक प्लेट में निकाल करके अलग रख लेते हैं। इस तरह से हम सारी अरवी को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसी पैन में हम थोड़ा सा फिर से ऑयल डालेंगे। दो टेबल स्पून इसमें हमने जो है फिर से ऑयल डाल दिया है। ये मस्टर्ड ऑयल डाला है, ऑयल आप कोई भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़े से अजवाइन डालेंगे, क्योंकि अरवी की सब्जी में अजवाइन ज़रूर पड़ता है। ये थोड़ी सी हींग डाल दिया है। अब ये हमने जो है करीब जो है 15-16 लहसुन की कलियाँ थी उसको चॉप कर लिया है। दो हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, इसको भी डाल दिया है। अब लहसुन को अच्छे से ब्राउन होने देंगे, इसको भी हमें जो अच्छे से क्रंची होने देना है। ये देखिए, इस स्टेज तक हमें इसको लहसुन को जो है लाना है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, एक टेबल स्पून इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च है, और अब हाफ टेबल स्पून इसमें हम जो है अमचूर का पाउडर, खटाई डाल दे रहे हैं, और ये थोड़ा सा गरम मसाला है। अब इसको डाल करके सभी मसालों को एक दो चार सेकंड के लिए हमें इसको जो भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब सारी अरवी इसी में हम जो है डाल देंगे और अच्छे से मसालों के साथ अरवी को जो है कोट कर लेंगे। ये अच्छे से कोट कर लेंगे। अब कोट करने के बाद जो है इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इस टाइम बरसात के मौसम में ये अरवी की सब्जी और पूड़ी का तो कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अब नमक डाल करके इसको हमें जो है करीब 6-7 मिनट तक गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके और धीमी आंच में इसको हमें पकने देना है। जब तक सारे मसालों का स्वाद जो है अरवी के अंदर नहीं आ जाता है, तब तक हम इसको जो है पकने देंगे धीमी आँच करके, थोड़ा क्रंची होने देंगे और भी।
और इसके साथ जो है ना पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, इसके साथ पूड़ी बना लीजिए। वैसे तो चपाती से भी खा सकते हैं, इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर पूड़ी से खाएंगे तो स्वाद इसका दुगना हो जाता है। अब ये देखिए हमारी अरवी जो है अच्छे से बिल्कुल जो है तैयार हो गई है। 1-2 मिनट हम इसको अभी और ही पकने देंगे। और ये बहुत जल्दी बनती है, इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब हम इसको जो है आपको सर्व करके दिखाएंगे। एक बार और पलट लेते हैं, क्योंकि ये जो अरवी की सब्जी है ये जो है क्रंची ही अच्छी लगती है। और बड़े सावधानी से हमें इसको पलटना है, क्योंकि ये बॉयल जो है अरवी जो है बॉयल कर लिया हमने। ये देखिए हम जो है इसको सर्व करके थोड़े से हरी धनिया ऊपर से डाल देते हैं, और आपको देख के ही लग रहा होगा कि बहुत टेस्टी अरवी की सब्जी बन करके तैयार हुई है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सपोर्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।